नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सीएमसी के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना, जल्द मांगों को पूरी करने की मांग। कर्नाटक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध पर मुसलमानों के कड़े विरोध के बाद कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया वापस। बेंगलुरु विद्युत आपूर्ति कंपनी की ओर से बिजली चोरी का मामला दर्ज किए जाने के एक दिन बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी के घर के बाहर बिजली चोर लिखा पोस्टर। तेलंगाना में बीआरएस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, किशन रेड्डी ने की हमले की निंदा। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 36 लोगों की मौत। पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में अगले साल से नहीं खा सकेंगे पान और गुटखा, लगेगा बैन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य नगर परिषद नगर पंचायत आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ बीदर जिला की ओर से सीएमसी के सफाई कर्मचारियों ने आज अंबेडकर सर्कल के करीब आईबी में स्थित बीदर इंचार्ज मिनिस्टर के ऑफिस के सामने आज बुधवार को धरना दिया और उनके नौकरियों को परमानेंट करने की मांग को लेकर और तनख्वाह समय पर न मिलने पर इस मांगों को लेकर यह धरना दिया गया। बता दें कि पिछली सरकार के समय में भी इन कर्मचारियों ने धरना दिया था, परंतु कुछ नहीं हुआ। जब रहीम खान और ईश्वर खंडे ने इन कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार आने के बाद इन कर्मचारियों की नौकरियों को परमानेंट किया जाएगा और तनख्वाह इनके खातों में डायरेक्ट जमा की जाएगी, परंतु अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनकर 100 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है और रहीम खान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है। बड़ा सवाल यह है कि मिनिस्टर रहीम खान इनकी मांगों को पूरा करने में खड़े उतरेंगे या फिर पिछली सरकारों की तरह यह सिर्फ एक आश्वासन ही बनकर रह जाएगा। सीएमसी कर्मचारियों के स्ट्राइक के कारण शहर में कचरे की सफाई नहीं हो रही है और गंदगी फैलती जा रही है, जिसके कारण कई बीमारियां फैलने लगी है। कुछ दिनों पहले डीसी गोविंद रेड्डी ने भी अहम बैठक में यह बात कही थी कि बीदर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीएमसी कमिश्नर और सीएमसी अध्यक्ष को चाहिए कि सफाई का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाए। सीएमसी की ओर से फॉग मशीन के जरिए मच्छरों की दवा छोड़ी जा रही है। जनता के बीच यह मशीनें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि आला अधिकारियों के घरों के करीब यह दवा छोड़ी जा रही है। इस अवसर पर सफाई कर्मचारी और सीएमसी अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज स्टेट तमाम जो हमारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी के हमारे जो यूनियन के जो ये फरमान है उसकी वजह से हम पूरे तमाम कर्नाटक भर जो इंचार्ज मिनिस्टर रहते उनके ऑफिस के सामने हम एक दिन का स्ट्राइक बैठे हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 10-15 साल से हमारे स्ट्राइक चल रहे हैं। 2017 में सिद्धरमैया साहब और ईश्वर खंडे साहब मिनिस्टर थे म्युनिसिपालिटी के, और 19 क्या है खाली लेबरों को परमिट करते, बाकी के जो ड्राइवर है सुपरवाइजर है और जो उसके सब किसके भी परमिट नहीं करे, नेरपोती नहीं करे उसका। और हमारे क्या है गया साल हम जुलाई में 4 दिन स्ट्राइक करे थे, एक और उस दिन रहीम खान साहब और ईश्वर खंडे साहब आके हमारे बारिश आ रहा था उसके नीचे आके हमारे को वादा करे थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही हम तुम्हारे को पक्का करेंगे परमानेंट करेंगे बोल के, लेकिन 5-6 महीने हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट आ के और उनके कांग्रेस के बड़े नेता जो राहुल गांधी साहब है और उनके मैनिफेस्टो में लिखे थे कि जो मैनिफेस्टो के चेयरपर्सन थे सुरजेवाला साहब, उन्होंने बोला था 25,000 जो आउटसोर्स पौरकर्मिक है पी के उन सबको मैं एक महीने में परमिट करते बोल के, 6 महीने हो गए अभी भी क्या भी नहीं करे, तुरंत से वो फाइल क्या है ऑलरेडी रेडी है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तुरंत सिद्धरमैया साहब वो फाइल को मंगा लेके एक साइन करके हमारे को डायरेक्ट पेमेंट करके 20 से 25,000 पगार करे तो हमारे को एक आसान जिंदगी जीने को आसान होता बोल के मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम नौकरों की वजह से, धन्यवाद। सभी को आदाब और सभी को नमस्ते। आज आउटसोर्स लेबर्स का डिमांड है कि निरुत्पत्ति करो बोलकर आज बिदर एमएलए रहीम खान साहब मिनिस्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे लेबर्स की तरफ से कि वो जो उनके डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरे करो, क्योंकि वो लोकल मिनिस्टर है और हम हमारी तरफ से जो भी सैलरी है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सैलरी करते हैं, सिर्फ 1 महीने का सैलरी ड्यू है। मैं अभी कमिश्नर साहब को डिस्कस करके अक्टूबर का भी सैलरी डालो बोला हूँ और मैं आने वाले दिन में इनका जो भी डिमांड है मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करके वो बिदर सिटी के लिए और स्टेट के लिए जितना उनको हेल्प होता उतना हेल्प करो बोल के मैं इतना कहते हैं, मेरी बात खत्म।
दिखाओ। नहीं, ये बोलना तो फाइनल अथॉरिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। हम रिक्वेस्ट लेटर देंगे हमारी बिदर सिटी की तरफ से, कमिश्नर साहब को अभी बोलता हूँ, लेटर टाइप करा के मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं आउटसोर्स जितने भी लेबर है उनको अकाउंट में सैलरी डालने के लिए उनका डिमांड है, मैं मिनिस्टर साहब से बात करके वो लेटर देता हूँ। हमीलापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर झंडे को निकालने और उसका अपमान करने के खिलाफ आज विभिन्न दलित संघर्ष समिति की ओर से पंचायत विकास अधिकारी को तत्काल निलंबित करने और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए विरोध किया, नारेबाजी की गई। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है कि मुस्लिम लड़कियां सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं में हिजाब पहनकर परीक्षा नहीं दे सकती है। इस विवादित घोषणा के जारी होने के बाद राज्य के मुसलमानों में चिंता की लहर फैल गई है। मुसलमानों के तीव्र गुस्से और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, विशेषकर AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सांसद के आलोचना के कारण कर्नाटक सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया। इस संबंध में कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के नए ड्रेस कोड द्वारा सभी प्रकार के सिर ढकने पर प्रतिबंध लगाने के कुछ घंटों बाद मुख्य शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने कहा कि बोर्ड और निगमों के लिए भर्ती परीक्षाओं के दौरान हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 18 और 19 नवंबर को विभिन्न बोर्ड और निगमों द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के मद्देनजर सिर, मुंह या कान को ढकने वाला कोई कपड़ा या टोपी पहनने वालों को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी के खिलाफ बेंगलुरु विद्युत आपूर्ति कंपनी की ओर से बिजली चोरी का मामला दर्ज किए जाने के एक दिन बाद उनके घर के पास दीवारों पर पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें बिजली चोर बताया गया। इन पोस्टर्स को दिखाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पोस्टरों के बारे में पता चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें हटा दिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और JDS के प्रदेश प्रमुख कुमार स्वामी पर दीपावली के दौरान उनका JP नगर स्थित आवास को सजावटी रोशनी से रोशन करने के लिए अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति BRS और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार नागार्जुन सागर क्षेत्र में हुई इस झड़प में नलगोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष के श्रीधर रेड्डी पर कथित तौर पर BRS कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हमले की निंदा की। तेलंगाना भाजपा प्रमुख ने एक बयान में कहा कि नागार्जुन सागर में उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने BRS उम्मीदवार के निर्वाचित होने के बाद नेल्लीकल लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक परियोजना पूरी नहीं हुई है। बयान में कहा गया है कि इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने मंगलवार को नागार्जुन सागर में KCR की जनसभा के विरोध में श्रीधर रेड्डी ने नेल्लीकल में धरना दिया। इससे चिढ़कर BRS के गुंडों ने दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हमला कर दिया। श्रीधर रेड्डी को इलाज के लिए नलगोंडा के रिम्स में भर्ती कराया गया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। अब ब्रेक के बाद देखते हैं समाचार। 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। एमपी और छत्तीसगढ़ में आज बुधवार 15 नवंबर को चुनाव प्रचार थमने वाला है और शुक्रवार 17 नवंबर को मतदान होगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर करारा प्रहार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह झूठ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में तो वो चोरी की सरकार चला रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो पीएम मोदी और अमित शाह हैं। इस बार जनता बीजेपी को चुनाव हरा रही है, लोग त्रस्त हो चुके हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने कहा कि ये मुद्दा बनाकर असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार को यात्रियों को लेकर जा रही एक बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 36 लोगों की मौत और 19 लोग घायल हुए हैं। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने कहा कि यह बस बटोटे किश्तवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रुंगल असार के पास सड़क से फिसल गई और 300 फुट नीचे खाई में गिर गई। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, दुर्घटना स्थल पर डीसी डोडा हरविंदर सिंह से मिला अपडेट साझा करते हुए, दुख हो रहा है, दुर्भाग्य से 36 लोगों की मौत हो गई और 19 घायल हो गए, जिनमें से 6 घायलों की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि घायलों को डोडा और किश्तवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू एवं कश्मीर के डोडा में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर बुधवार को शोक जताया और प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2,00,000 रूपये तथा घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, जम्मू एवं कश्मीर के डोडा में हुई दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से पीड़ा हुई है। मेरी संवेदनाएं अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारजनों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमओ ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पीएमएनआरएफ से 2,00,000 रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी तथा घायलों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक काम की जानकारी है। वो श्रद्धालु जो कि पान या फिर गुटखा सेवन करते हैं, वह अब ऐसा करते हुए मंदिर परिसर में नहीं जा सकेंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2024 से पान और गुटखा खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास ने की। दास ने कहा कि श्रद्धालुओं, सेवादारों और मंदिर के कर्मचारियों के लिए प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने मंगलवार 15 नवंबर 2023 को संवाददाताओं से कहा, मंदिर परिसर में पान और गुटखा नहीं खाने के लिए नवंबर और दिसंबर में जागरूकता फैलाई जाएगी, जबकि निषेध 1 जनवरी से लागू होगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर
2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंदौर में रोड शो किया था। इस दौरान बड़ा गणपति से लेकर रजवाड़ा तक रोड शो में काफी लोग उमड़े थे। पूरे रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर फूलों की बारिश हुई थी। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि पूरे इलाके की जल्द से जल्द सफाई की जाए। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी के इसी आदेश के बाद रोड शो के कुछ ही घंटों में पूरे हिस्से की सफाई कराई। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर के इंदौर की प्रतिष्ठा के अनुरूप पूरे हिस्सों को कुछ ही घंटों में साफ कर दिया गया। सुबह सड़क पर एक भी तिनका नहीं दिख रहा था। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और सफाई के प्रति इंदौर के लोगों के रुझान का असर था। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम के विपरीत परिस्थितियों के कारण वायु प्रदूषण का दंश झेलना पड़ रहा है। प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से गंभीर श्रेणी के नजदीक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 392 दर्ज किया गया, जो दिवाली के प्रदूषण के स्तर से बेहद खराब है। राज्य के कई इलाकों जैसे RKपुरम, पंजाबी बाग, नेहरू नगर और आनंद विहार में गंभीर प्रदूषण स्तर AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सीएमसी के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना, जल्द मांगों को पूरी करने की मांग। कर्नाटक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध पर मुसलमानों के कड़े विरोध के बाद कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया वापस। बेंगलुरु विद्युत आपूर्ति कंपनी की ओर से बिजली चोरी का मामला दर्ज किए जाने के एक दिन बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी के घर के बाहर बिजली चोर लिखा पोस्टर। तेलंगाना में BRS और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, किशन रेड्डी ने की हमले की निंदा। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 36 लोगों की मौत। पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में अगले साल से नहीं खा सकेंगे पान और गुटखा, लगेगा बैन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24x7। धन्यवाद।